हम आज बात करेंगे इंडिया के टॉप जिनर, द टॉप मोस्ट जिनर ऑफ इंडिया, राजा इंडस्ट्रीज कड़ी गुजरात के श्री दिलीप भाई पटेल से। इस कंपनी का इतिहास है कि गुजरात में अगर किसी ने रुई के व्यापार में कुछ नए सीमा चिन्ह सर किए हो, कुछ नए लैंडमार्क्स पास किए हो, कुछ नए स्टैंडर्ड सेट किए हो, तो इसमें ये हमेशा आगे रहे हैं। तो दिलीप भाई शुरू करें। दिलीप भाई की पहचान देते हुए, ये कन्वीनर है ऑल इंडिया जिनर्स एसोसिएशन के, ये प्रेसिडेंट है ऑल गुजरात कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के, ये वाइस प्रेसिडेंट है ऑल गुजरात स्पिनर एसोसिएशन के, इन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, अब ये स्पिनिंग में भी हैं, ये चेयरमैन है कड़ी नागरिक सरकारी बैंक, ट्रस्टी है भाग्योदय जनरल हॉस्पिटल जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये वाइस प्रेसिडेंट है आदर्श हाई स्कूल। तो ऐसी मल्टी फंक्शनल पर्सनालिटी है दिलीप भाई पटेल, इनसे हम बात करेंगे कॉटन जिनिंग के बारे में। दिलीप भाई, भारतीय कॉटन जिनर्स के लिए ये सीजन कैसा रहा? ग्रीन सीजन की जो हम बात करें जी, तो इंडिया में करीबन 10 स्टेट है कॉटन क्रॉप होता है, तो इसमें स्टेट वाइज अलग अलग सबका प्रॉफिट लॉस रहता है। ज्यादातर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात में भी कई जिनर्स ऐसे हैं तो उनको बहुत अच्छा है, कई जिनर्स ऐसा है कि भाई उनको प्रॉफिट नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसा भी रहा है जी। और ज्यादातर जिनर्स ऐसे हैं कि इस साल ये लोगों ने नुकसान भी किया है। अच्छा, तो उसकी वजह भी है कि लोगों ने नुकसान क्यों किया। तो आज समझो दिसंबर से, इस साल दिसंबर से ये लोगों ने स्टॉप कर दिया। अच्छा, और अभी का स्टॉक किया, अभी का स्टॉक कर दिया, तो 44,000 भी हुआ, 37 से ये लोगों ने शुरू किया, 44,000 भी हुआ, लेकिन बेचा नहीं, आज फिर से 38 आसपास आ गया है जी। तो ओवरऑल ऐसे जिनर्स कहीं ज्यादा है, इसका भी कारण क्यों हुआ और क्यों ये लोग तेजी में आ गए, तो वो भी एक वजह है। हमने पहले दिन से बोला था पूरा इंडिया में 4 करोड़ गांठ होगी, हमने बोला था, वो मैं अकेला ही था, वो पूरा आज इंडिया बोलता है, दिलीप भाई ने बोला था कि भाई 4 करोड़ गांठ होगी, दिलीप भाई के सिवा कोई नहीं था जी। ये बात मैं आप सबको बता दूं, लास्ट ईयर कम से कम 4 कॉन्फ्रेंस हुए, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया का क्रॉप 3 करोड़ 60 लाख गांठ के ऊपर किसी एक वक्ता ने भी नहीं बताया था। उस समय दिलीप भाई ने नवंबर 2013 में एक बड़ी सभा में अनाउंस किया था कि इंडिया का क्रॉप 4 करोड़ फुल प्रेस गठान 170 किलो की ऐसा होगा। बराबर है जी, बाद में तो वो भी फिगर 5-10 लाख ज्यादा होगी जी, और आज देखो तो इतना प्रेसिंग आ गया इंडिया का। तो तब जाके लोगों ने ऐसी एक हवा चलाई कभी 3 करोड़ गांठ होगी, 3.25 करोड़ गांठ होगी, सही बात। तो वो हिसाब से सब लोग मर गए, सब लोग तेजी में आ गए और सब लोगों ने स्टॉप कर दिया और सब लोग आज माइनस में है। तो आज आपके माध्यम से मुझे ये भी कहना है, कभी कोई भी बात बताओ तो हम अकेले नहीं सुनते, पूरा इंडिया सुनता है, सही बात। तो ऐसे बताओ कभी जो सही सही हो, बाकी इतना हम गलत बोलेंगे तो सब लोग मरेंगे, हम तो मरेंगे साथ में जिनस भी, और मरेंगे अकेले इस बिजनेस में सरवाइव कर नहीं सकते, सबके साथ में चलना बहुत। अब ये बताइए दिलीप भाई के कॉटन सीजन के दरमियान आप मार्केट का जजमेंट किन फैक्टर्स पे करते हैं, जैसे रोज जिनिंग चल रहा है, आपका व्यापार भी चल रहा है, तो क्या आप खास चीजों का ध्यान देते हैं? तो सबसे पहले अब देखो तो लास्ट 2 बरस से वर्ल्ड का जो क्रॉप है जी वो धीरे धीरे बढ़ता है जी, और वर्ल्ड का जो कैरी ओवर स्टॉक है या बंद स्टॉक बोलो या ओपनिंग स्टॉक बोलो जी, वो बढ़ रहा है करीबन 3 साल से, तो हमें ये भी एक ध्यान रखना है। हाँ,
दूसरी बात समझो इंडिया की बात करो तो इंडिया में रेन फैक्टर जो हमारा है वो सबसे टॉप पर रहता है। तीसरी बात ये है कि सोइंग का एरिया कितना बढ़ता है घटता है वो भी एक बात रहती है, वो भी अनुमान नहीं मिलता है। हाँ, बाद में हम 10 स्टेट में हम पूछते हैं लोगों को कभी क्या होगा क्या नहीं, तो हर एक स्टेट में हम 25-50 लोगों को पूछते हैं, बात करते हैं। हाँ, 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 हाँ। बाकी हमारे यहाँ क्या है, पंजाब में बारिश आ गया 3 दिन पहले तो बोल दिया 5 लाख गांठ कम हो गई। अरे भैया, 1 दिन की बारिश में 5 लाख गांठ कहाँ से कम हो? सही बात है, ना बढ़ सकते, इतना इतना बढ़ेगा भी नहीं, इतना कम भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसी बात रहती है। तो हम क्या है, हम सबको पूछ के शांति से दिमाग लगा के, हाँ गया बरस भी क्या हुआ था, तो हमने गया बरस जो 4 करोड़ क्यों बोला था, इसके आगे के बरस में बिल्कुल पानी नहीं गिरा था, बिल्कुल बारिश नहीं था पूरा इंडिया में जी, तब भी 3 करोड़ 50 लाख गांठ रनिंग हुआ। इसमें से 25 लाख गांठ समझो कि हमारा पुराना कपास का स्टॉक था वो निकाल दो तो भी 3 करोड़ 25 लाख तो हुई थी। और गया बरस में क्या हुआ, किसान ने जैसे बोला तो भगवान हमें बारिश से बारिश आ गया, वो बोला कभी अब रुकनी चाहिए रुक गया, लास्ट में बोला कभी यार सब ठीक ठाक हो गया लेकिन डैम भरा नहीं है, डैम का भी बारिश आ गया। तो इतना भगवान हमको देता है, फिर भी हम बोले कि भाई अगले साल जो पानी बिल्कुल नहीं था और 3.25 हुई थी तो ये साल भी 3.25 कहाँ से होगी। तो ये लोग कुछ सुनते नहीं, बस बोल देते हैं। अभी नया सीजन अक्टूबर से शुरू हो रहा है इंडिया का, तो इस दौरान आपके हिसाब से बाजार कैसा रहेगा आगे इस साल में? ये साल की जो एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है, जिनर्स ने हैवी लॉस भी किया है जी, पैसा भी मिल में से कम आता है, एक्सपोर्टर का भी पैसा आता है, वैसे कई 2-3 एक्सपोर्टर का प्रॉब्लम भी है जी। तो ये साल ऐसा एक सिचुएशन हो गया है कि भाई रुई किसको बेचे, सही बात, ये सबसे पहली बात है जी। तो गुजरात के दिन चालू होंगे लेकिन अक्टूबर में ही होंगे, और ये हमें देखना है कभी हमें रुई किसको देना है। अब कॉटन क्रॉप पे अगर वापस आए हम, तो कॉटन क्रॉप के लिए आप किन पर या किन संस्था पर ज़्यादा विश्वास करते हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फिर कॉटन एडवाइजरी बोर्ड है, फिर CCI है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, फिर विदेशी कंपनियां देखें तो USDA है, ICSE है, ये सब अपने अपने हिसाब से इंडिया का क्रॉप बताते रहते हैं, पर बहुत बार हमने देखा है कि एक बताया हो लोगों ने और बहुत ही अलग से क्रॉप आता है सीजन के अंत में। तो ये इसमें एक बात है कि CCI है या CAB है या कॉटन कॉर्पोरेशन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और हमारा एसोसिएशन है, तो ज़्यादातर तो मैं हमारे एसोसिएशन पर ही भरोसा करता हूँ। अच्छा, और ज़्यादातर तो मुझे जो पूछो ना तो मैं खुद पर ही भरोसा करता हूँ। एक बात ये है, दूसरी बात आज CAB में हम भी मेंबर्स हैं, हमारा एसोसिएशन मेंबर्स है तो हम भी हमारी बात रखते हैं, तो ये लोगों को जोड़ के फिर जो CAB का रिपोर्ट आता है वो थोड़ा थोड़ा हमारे नज़दीक रहता है। अच्छा, बाकी CCI का रिपोर्ट बहुत डिफरेंस वाला होता है जी, वो अपना ही अपने हिसाब से, हाँ वो अपने हिसाब से ही करते हैं। अच्छा दिलीप भाई, बाकी जीनस के लिए रुई की गुणवत्ता में सुधार लाना और गलत चाल चलन जो अभी चल रहा है बाजार में, तो उससे बचने के लिए आपके क्या सुझाव? वैसे बचने के लिए तो एक ही बात है कि हमने करीबन 10 साल से ये ज्यादातर एक्सपोर्ट इंडिया का चालू हुआ जी, पहले क्या था टोटल हम गवर्नमेंट में ही सब बेचते थे लगभग समझो पूरा इंडिया जी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें हम भी आ गए, सौराष्ट्र वाले भी आ गए और 10 स्टेट आ गए, बिल्कुल ऑल इंडिया के जीनर्स आ गए, और ऑल इंडिया के जीनर्स आ गए, तो इसमें क्या था कभी तो मिल में हमें बेचना है जी, तो मिल में क्वालिटी की परख भी होती थी तो कोई गलत काम भी नहीं करता था
आराम से धंधा चलता था, इतना कंपटीशन भी नहीं था। धीरे 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 इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, इसमें कई नाम जुड़ने लगे जी। और एक्सपोर्ट में क्या हुआ कि जो लोकल परत थी मिल की और जो एक्सपोर्टर की परत है, इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। अच्छा, तो धीरे 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 करके करके हमारा जो कॉटन है, हमारी क्वालिटी है, वो धीरे धीरे नीचे उतरती है। धीरे धीरे अब 1 करोड़ 15 लाख गांठ तक पहुँच गई, तो इसका मतलब हुआ 25-30% हो गई इंडिया की। 2 साल पहले हमने 1.25 करोड़ गांठ एक्सपोर्ट की है। हाँ, की। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि धीरे धीरे फर्क में भी थोड़ा ये लोग स्लो चलते थे, तो वो हिसाब से क्वालिटी बिगड़ती थी। और अभी गया बरस तक इतना सिचुएशन बढ़ गया और इतना टॉप पर पहुंच गया है, एक न एक दिन हमें आना ही है, क्वालिटी में ही आना पड़ेगा। बराबर। हाँ, एक्सपोर्टरों को भी मालूम हो गया अभी तो इसमें ये सब प्रॉब्लम है, तो ये भी सुधारने लगे हैं। अरे इवन खुद हम भी ये लोगों को बोलते हैं। अच्छा, कभी साहब आप ऐसा करो, क्योंकि हम तो जीना से हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम बोलते हैं। हाँ, कि एक ट्रेड के हिसाब से हम बोलते हैं, क्योंकि ट्रेड मरेगा एक न एक दिन, जो ऐसा चलेगा तो ट्रेड भी मरेगा। बिल्कुल सही बात। तो हम भी बोलते हैं उनको कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो धीरे धीरे फिर एक आध बरस में सब सेट हो जाएगा, ऐसा मुझे दिलीप भाई। अभी आपने बताया कि ट्रस्ट की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट, जो विश्वास की कमी हो गई है लोगों में, कि जिनर को ये नहीं पता चल रहा है कि एक्सपोर्टर सब कुछ ठीक लग रहा है पर सीजन एंड में उनके पैसे रुक गए तो कहाँ जाएं। मिल वालों के साथ सीजन की शुरुआत से ही सब जिनर जुड़ सके, ये उनके लिए मुश्किल है उनकी टर्म्स कंडीशन और उनके पेमेंट टर्म्स के हिसाब से। तो अब विश्वास की कमी है, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट कम हो रहा है, पर जिनर को अपना आगे तो सोचना है, तो इसका मार्गदर्शन लेते हुए हम दिलीप भाई से पूछेंगे कि दिलीप भाई, ऐसी परिस्थिति में आप जैसी कंपनी जो कॉटन जिनिंग ट्रेड में पायोनियर है, जिनको लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि नहीं ये फैक्ट्री क्या कर रही है, और आप जैसे व्यक्तित्व जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कन्वीनर हैं, तो आप अपनी गरिमा, अपना मान और अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या बचाए रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इसमें ये साल एक बात तो तय है कि शुरू से सब देख के ही जिनिंग स्टार्ट करना होगा, क्योंकि पहले हमें रुई बेचना है। सही सही पार्टी मिले तो ही जिनिंग शुरू करना है, और इससे भी पहले कि हमें जो क्वालिटी है हमारी कॉटन की, रुई की, तो ये इतना अच्छा बनाना है तो समझो हमें साउथ में भी जाना पड़े जी, कोई मिल में भी जाना पड़े, और उनको बोले कि भाई मेरी गारंटी है मैं 100 गांठ यहाँ से चढ़ाता हूँ, आप देख लेंगे। ऐसी क्वालिटी भी हमें ये साल बनानी पड़ेगी जो है। हाँ, वो बोल के देना है। हाँ, वो बोल के देना है जी। और मेरा तो आइडिया ऐसा है कि भाई इससे भी आप आगे जाओ तो टोटल टेस्ट रिपोर्ट पर ही चलो। बिल्कुल, मतलब दूसरी बात कि जिनर को भी अपना अपने बिजनेस का बैलेंस करके चलना है, एक्सपोर्ट में भी देना है, मिलों के भी साथ में चलना है, क्योंकि कब कौन अपना माई बाप बन जाए ये हम कह नहीं सकते। दूसरा, सुनो सबकी पर करो मन की, ये दिलीप भाई ने कहा, सब अपना अपना क्रॉप एस्टिमेट देते हैं, मार्केट ट्रेंड के बारे में सब अपनी राय देते हैं, पर हमें क्या लगता है हमारे अनुभव से, ये भी हमें सोचना है। और आखिरी बात जो दिलीप भाई ने कही कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे भी अच्छा बिजनेस मिलों में हो सकता है, इस बात पे भी जिनर सोच सकते हैं।